नसीरुद्दीन शाह सर जी का जन्म बाराबंकी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम अले मोहम्मद शाह है और इनकी माता का नाम फारूक सुल्तान है। इनकी सबसे पहली मूवी आई थी सन 1975 में, जिसका नाम था निशांत। इस मूवी में गिरीश कर्नाड, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1976 में मंथन। इसमें नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, गिरीश कर्नाड लीड रोल में थे। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1977 में भूमिका। इसमें नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, अमोल पालेकर थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी गोधूल। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1979 में जुनून। इस मूवी में नसीरुद्दीन शाह, शशि कपूर, शबाना आजमी थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अगली मूवी 1979 में आई थी हंगामा, बॉम्बे स्टाइल। इसमें नसीरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी सुनैना। इसमें नसीरुद्दीन शाह, विजेंद्र लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1980 में आई थी स्पर्श। इसमें नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी आक्रोश। इसमें नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, ओमपुरी देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में अर्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी हम पांच। इसमें नसीरुद्दीन शाह, मिथुन चक्रवर्ती, राज बब्बर देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी ख्वाब। इस मूवी में मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता कौर, नसीरुद्दीन शाह थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस एवरेज रही। अगली मूवी आई थी 1981 में चक्र। इसमें नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, कुलभूषण खरबंदा थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी सजाए मौत। इसमें नसीरुद्दीन शाह, राधा सरूजा देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी तजुर्बा। इसमें नसीरुद्दीन शाह, राज बब्बर, स्मिता पाटिल थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में उमराव जान। इसमें रेखा, फारूक से नसीरुद्दीन शाह लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1982 में बाजार। इसमें नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। अगली मूवी आई थी 1982 में सितम। इसमें नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, फारूक शेख देखने को मिले। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 1982 में थी दिल आखिर दिल है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, राखी गुलजार, परवीन माबी थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 1983 में जाने भी दो यारों। इसमें नसीरुद्दीन शाह, सतीश कौशिक, नीना गुप्ता थे। ये मूवी सुपर हिट रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में कथा। इसमें नसीरुद्दीन शाह, फारूक शेख, दीप नवल थे। ये मूवी सेमी हिट रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में मासूम। इस मूवी में नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1983 आई थी मंडी। इसमें नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में वो सात दिन। इसमें नसीरुद्दीन शाह, अनिल कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरे थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी अर्धसत्य। इसमें नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, ओमपुरी देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। अगली मूवी 1984 में आई थी पार। इसमें नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1984 में आई थी मोहन जोशी हाजिर हो। इसमें लीड रोल में नसीरुद्दीन शाह देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस फ्लॉप करार दिया गया। एक अगली मूवी आई थी होली। इसमें नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान देखने को मिले। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी कंधार। इसमें नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी आई थी 1985 में गुलामी। इसमें धर्मेंद्र, नसीरुद्दीन शाह, मिथुन चक्रवर्ती, स्मिता पाटिल, रीना राय, नीता राज थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में त्रिकाल। इसमें नसीरुद्दीन शाह, नीना गुप्ता देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी मिर्च मसाला। इसमें नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल देखने को मिले। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी अपना जहां। इसमें नसीरुद्दीन शाह, दीप तिमल देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 1986 में खामोश। इसमें नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, अमोल पारिकर थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अगली मूवी आई थी 1986 में कर्मा। ये मल्टी स्टार देशभक्ति मूवी थी। इसमें दिलीप कुमार, नसीरुद्दीन शाह, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, श्रीदेवी, अनुपम खेर थे। ये मूवी सुपर हिट रही। अगली मूवी 1986 में आई थी जेनेसिस। इसमें नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 1986 में मुसाफिर। इसमें लीड रोल में नसीरुद्दीन शाह और रेखा देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस फ्लॉप करा दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी ये वो मंजिल तो नहीं। इसमें नसीरुद्दीन शाह, पंकज मुखर्जी थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 1987 में जलवा। इस मूवी में नसीरुद्दीन शाह, जॉनी लीवर, पंकज कपूर थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1987 में आई थी इज्जत।
साथ। इसमें नसीरुद्दीन शाह अनुराधा पटेल देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी 1988 में आई थी हीरो हिलाराल, ये कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इसमें नसीरुद्दीन शाह संजय कपूर थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस एवरेज रही। अगली मूवी 1988 में आई थी माला माल, इसमें नसीरुद्दीन शाह पूनम ढिल्लो देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी पेस्टोंजी, इसमें नसीरुद्दीन शाह शबाना आजमी अनुपम खेर थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी थे 1979 में आई थी त्रिदेव, इसमें नसीरुद्दीन शाह सनी देओल जैकी श्रॉफ माधुरी दीक्षित लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करार दिया गया। अगली मूवी 1990 में आई थी पुलिस पब्लिक, इसमें नसीरुद्दीन शाह पूनम ढिल्लो राजकुमार देखने को मिले। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी 1990 में आई थी चोर पे मोर, इसमें नसीरुद्दीन शाह नीलम कोठारी सोनम थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 1991 में आई थी शिकारी, इसमें नसीरुद्दीन शाह मिथुन चक्रवर्ती थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1991 में आई थी एक घर, इसमें नसीरुद्दीन शाह और दीप निर्मल देखने को मिले। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1991 में आई थी 100 करोड़, इसमें नसीरुद्दीन शाह देवानंद लीड रोल में थे, अनुपम खेर थे। ये मूवी हिट रही। अगली 1991 में आई थी लक्ष्मण रेखा, इसमें नसीरुद्दीन शाह जैकी श्रॉफ देखने को मिले। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1992 में विश्वात्मा, इसमें नसीरुद्दीन शाह सनी देओल चंकी पांडे गुलशन ग्रोवर थे। ये मूवी सुपर हिट रही। अगली 1992 में आई थी चमत्कार, इसमें नसीरुद्दीन शाह शाहरुख खान उर्मिला मातोंडकर थे। ये मूवी हिट रही। अगली 1992 में आई थी पनाह, इसमें नसीरुद्दीन शाह किरण कुमार पल्लवी जोशी देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस हिट रही। अगली 1992 में आई थी तहलका, इसमें धर्मेंद्र नसीरुद्दीन शाह मुकेश खन्ना थे। ये मूवी सेमी हिट रही। अगली मूवी आई थी 1993 में कभी हाँ कभी ना, इसमें नसीरुद्दीन शाह शाहरुख खान दीपक तिजोरी थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। अगली मूवी आई थी 1993 में सर, इसमें नसीरुद्दीन शाह पूजा भट्ट अतुल अग्निहोत्री देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही। अगली मूवी 1994 में आई थी मोहरा, ये मल्टी स्टारर मूवी थी, इसमें नसीरुद्दीन शाह सुनील शेट्टी अक्षय कुमार रवीना टंडन थे। ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। अगली 1994 में आई थी द्रोह काल, इसमें नसीरुद्दीन शाह ओमपुरी देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली 1995 में आई थी नाजायज, इसमें नसीरुद्दीन शाह अजय देवगन जूही चावला देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। अगली 1995 में आई थी टक्कर, इसमें नसीरुद्दीन शाह सुनील शेट्टी सोनाली बेंद्रे थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस फ्लॉप करार दिया गया। अगली 1996 में आई थी हिम्मत, इसमें नसीरुद्दीन शाह सनी देओल तब्बू और शिल्पा शेट्टी थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली 1996 में आई थी चाहत, इसमें नसीरुद्दीन शाह शाहरुख खान पूजा भट्ट थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली 1997 में आई थी बॉम्बे बॉयज, इसमें नसीरुद्दीन शाह तारा देशपांडे देखने को मिले। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली 1997 में आई थी दावा, इसमें नसीरुद्दीन शाह अक्षय कुमार रवीना टंडन देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली 1998 में आई थी चाइना गेट, इसमें नसीरुद्दीन शाह ओमपुरी ममता कुलकर्णी अमरीश पुरी देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस सेमी हिट करार दिया गया। अगली 1999 में आई थी सरपरोश, इसमें नसीरुद्दीन शाह आमिर खान सोनाली बेंद्रे देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली 1999 में आई थी भोपाल एक्सप्रेस, इसमें नसीरुद्दीन शाह के मेनन थे। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली इसी साल में आई थी कभी पास कभी फेल, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी 2000 में आई थी हे राम, इसमें नसीरुद्दीन शाह कमल हासन लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही। अगली मूवी 2001 में आई थी कसम, इसमें नसीरुद्दीन शाह सनी देओल देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 2001 में मासूम वेडिंग, इस मूवी में नसीरुद्दीन शाह और सैफ अली शाह थे। अगली मूवी आई थी 2002 में एनकाउंटर द किलिंग, इसमें नसीरुद्दीन शाह तारा देशपांडे देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी 2003 में आई थी मकबूल, इसमें नसीरुद्दीन शाह इरफान खान देखने को मिले। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी आई थी 2004 में असंभव, इसमें नसीरुद्दीन शाह और अर्जुन रामपाल लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर रही। अगली मूवी 2004 में आई थी तीन दीवारें, इसमें नसीरुद्दीन शाह जैकी श्रॉफ जूही चावला लीड रोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी मैं हूं ना, इसमें शाहरुख खान सुष्मिता सेन नसीरुद्दीन शाह थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस हिट रही। अगली मूवी 2005 में आई थी पहेली, इसमें शाहरुख खान रानी मुखर्जी नसीरुद्दीन शाह लीड रोल में थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी 2005 में आई थी इकबाल, इसमें नसीरुद्दीन शाह गिरीश कर्नाड थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी आई थी 2006 में बीइंग साइरस, इसमें सैफ अली खान नसीरुद्दीन शाह लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही। अगली मूवी 2006 में आई थी क्रिश,
इसमें ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, नसीरुद्दीन शाह लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी को बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर करार दिया गया था। अगली मूवी आई थी 2006 में ओमकारा, इसमें नसीरुद्दीन शाह, अजय देवगन लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में यूं होता तो क्या होता, इसमें नसीरुद्दीन शाह इरफान खान थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली में 2006 में आई थी बनारस, इसमें नसीरुद्दीन शाह, डिंपल कपाड़िया, राज बब्बर थे। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी 2007 में आई थी परजाइना, इसमें नसीरुद्दीन शाह, सारिका राजजुत्थी थे। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी 2007 में आई थी अमल, इस मूवी में नसीरुद्दीन शाह और सीमा विश्वास देखने को मिले। अगली मूवी आई थी इसी साल में 10 कहानियां, इसमें नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, संजय दत्त, नाना पाटकर थे। मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी 2003 में आई थी गेम, इसमें नसीरुद्दीन शाह, आदित्य पंचोली देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1993 में आई थी लुटेरे, इसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में हस्ती, इसमें नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी बेदर्दी, इसमें नसीरुद्दीन शाह, अजय देवगन थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1996 में राजकुमार, इसमें नसीरुद्दीन शाह, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित थे, डेनी डंजम्पा थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली 1997 में आई थी लहू के दो रंग, इसमें नसीरुद्दीन शाह, अक्षय कुमार थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी अग्निचक्र, इसमें नसीरुद्दीन शाह और गोविंदा उर्मिला मातोडकर थे। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली 1998 में आई थी ये मेरी आशिकी, इसमें नसीरुद्दीन शाह, अतुल अग्निहोत्री और पूजा भट्ट थे। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली 1998 में आई थी दंड नायक, इसमें नसीरुद्दीन शाह, मयंक बेदी थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी सर उठा के जियो, इसमें नसीरुद्दीन शाह, अजय देवगन लीड रोल में थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी ढूंढते रह जाओगे, इसमें नसीरुद्दीन शाह, सतीश कौशिक थे। ये डिजास्टर रही। अगली 2000 में आई थी तूने मेरा दिल ले लिया, इसमें नसीरुद्दीन शाह, राहुल राय, रवीना टंडन थे। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी इसी साल में थी गजगामिनी, इसमें माधुरी दीक्षित, नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी थे। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी 2001 में आई थी मुझे मेरी बीवी से बचाओ, इसमें ये कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, इसमें नसीरुद्दीन शाह, रेखा थे। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी मोक्ष, इसमें नसीरुद्दीन शाह, अर्जुन रामपाल, मनीषा कोइराला थे। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली 2002 में आई थी गुरु महागुरु, इसमें नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी और आशुतोष राणा लीड रोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी 2005 में आई थी होम डिलीवरी, इस मूवी में नसीरुद्दीन शाह जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी आई थी और ये डिजास्टर रही। अगली मूवी 2006 में आई थी मिक्स डबल्स, इसमें नसीरुद्दीन शाह, सौरभ शुक्ला थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 2008 में मेरे बाप पहले आप, इसमें अक्षय खन्ना, नसीरुद्दीन शाह थे। ये कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, ये एवरेज रही। अगली मूवी 2008 में आई थी जाने तू या जाने ना, इसमें नसीरुद्दीन शाह, अरबाज खान, प्रतीप बब्बर थे। ये मूवी सुपरहिट रही। अगली मूवी 2008 में आई थी एविडनेस डे, इसमें नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर थे। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी महारथी, इसमें नसीरुद्दीन शाह, परेश रावल लीड रोल में थे। इस मूवी को डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी 2009 में आई थी फिराक, इसमें नसीरुद्दीन शाह, संजय सूरी लीड रोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस डिजास्टर करार दिया गया। अगली 2009 में आई थी 12 आना, इसमें नसीरुद्दीन शाह, विजय राज थे। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी 2010 में आई थी बोलो राम, इसमें नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। अगली मूवी 2010 में आई थी इश्किया, इसमें नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी लीड रोल में थे। ये मूवी सेमी हिट रही। अगली मूवी 2010 में आई थी राजनीति, इसमें नसीरुद्दीन शाह, अजय देवगन, नाना पाटेकर थे। ये मूवी सुपर हिट रही। अगली मूवी 2010 में आई थी पिपली लाइव, इसमें नसीरुद्दीन शाह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी अल्लाह के बंदे, इसमें नसीरुद्दीन शाह, शर्मन जोशी देखने को मिले। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी आई थी 2011 में सात खून माफ, इसमें नसीरुद्दीन शाह, प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 2011 में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसमें ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर, नसीरुद्दीन शाह थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी चार्जशीट, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में द डर्टी पिक्चर, इसमें इमरान हाशमी, विद्या बालन, नसीरुद्दीन शाह। ये मूवी सुपरहिट रही। अगली 2012 में थी 40-84, इसमें नसीरुद्दीन शाह, अतुल कुलकर्णी थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी थी इसी साल में आई थी मैक्सिमम, इसमें नसीरुद्दीन शाह, सोनू सूद थे। ये डिजास्टर रही। अगली 2013 में आई थी जॉन डे, इसमें नसीरुद्दीन शाह, रणदीप हुड्डा थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर रही। अगली इसी साल में आई थी जैकपॉट, इसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी लियोनी देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर रही। अगली मूवी 2014 में आई थी डेथ
डेट इश्किया, इसमें नसरुद्दीन शाह विद्या बालन थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अग्नि 2014 में थी फाइंडिंग फनी, इसमें नसरुद्दीन शाह डिंपल कपाड़िया थे। ये फ्लॉप रही। अग्नि 2015 में थी डर्टी पिक्चर्स पॉलिटिक्स, इसमें नसरुद्दीन शाह मल्लिका शेरावत थे। ये फ्लॉप रही। अगली 2015 में आई थी धर्म संकट में, इसमें नसरुद्दीन शाह परेश रावल थे। ये फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में वेलकम बैक, इसमें नसरुद्दीन शाह अनिल कपूर नाना पाटकर थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में चार्ली के चक्कर में, इसमें नसरुद्दीन शाह निशान थे। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली 2016 में आई थी तेरा सुरूर, इसमें नसरुद्दीन शाह हिमेश रेशमिया थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली इसी साल में आई थी द ब्लूबेरी हंट, इसमें नसरुद्दीन शाह विपिन शर्मा थे। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली इसी साल में आई थी वेटिंग, इसमें नसरुद्दीन शाह रजत कपूर थे। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली 2017 में आई थी ओके जानू, इसमें नसरुद्दीन शाह श्रद्धा कपूर आदित्य थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली इसी साल में आई थी बेगम जान, इसमें विद्या बालन इलारोन नसरुद्दीन शाह थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी इरादा, इसमें नसरुद्दीन शाह अरशद वासी दिव्या दत्ता थे। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी इसी साल 2018 में आई थी अय्यारी, इसमें नसरुद्दीन शाह अनुपम खेर थे। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी आई थी होप और हम, इसमें नसरुद्दीन शाह सोनाली कुलकर्णी थे। ये डिजास्टर रही। अगली 2019 में आई थी द ताशकंद फाइल्स, इसमें नसरुद्दीन शाह थे। ये एवरेज रही। अगली 2021 में आई थी राम प्रकाश की तेहरवीं, इसमें नसरुद्दीन शाह विनय पाठक थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही। तो ये नसरुद्दीन शाह का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इसके बाद 2021 बाद की मूवी नहीं आई। तो इसमें से आपको कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या एक्ट्रेस का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।